उज्जवल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब नए अंदाज में नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड़ जिले की धर्मपुर तालुका के मोहनगढ़ में श्रीमद राजचंद्र आश्रम ने कल गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अपनी उपस्थिति देकर इस उत्सव को महाउत्सव का रूप दे दिया है। श्रीमद राजचंद्र आश्रम ने इस मिशन की तरह आदिवासी अंचल में धर्म और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ सेवा की ज्वाला भी प्रज्वलित की है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी दया की मानव जाति के लिए भगवान महावीर का संदेश है। धर्मपुर तीर्थ क्षेत्र में मंदिर की दिव्यता और भगवान की महिमा का साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने ये अपने शब्दों में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के में सबके जीवन का हिस्सा बनने के लिए जीवन को सेवा और मानव सेवा का आह्वान किया। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर द्वारा नवनिर्मित जीन प्रसाद व गुरु मंदिर का उद्घाटन करते हुए सीएम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय के ई क्लोनिंग का लोकार्पण भी तथा 3D मॉडल का अनावरण भी किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस शुभ अवसर पर विशाल श्यामन में उपस्थित श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान महावीर द्वारा मानव जाति के लिए दिए गए संदेश सेवा के प्रति रहा है। धर्मपुर तीर्थ स्थल पर मंदिर की दिव्यता और भगवान की महिमा साकार होने पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अहिंसा पर्व धर्म का पालन करते हुए गौवंश वध पर भी प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है। चल पशु चिकित्सालय तथा 121 करुणा पशु एम्बुलेंस की परियोजना ने न केवल मनुष्य को बल्कि मुक और असहाय पशुओं की देखभाल की भी को भी प्राथमिकता दी है। सरकार ने जाति धर्म और बाड़ लगाने के बजाय सबका साथ सबका विचार की भावना को प्राथमिकता दी है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वनवासी की भूमि धर्मपुर में स्थित ये तीर्थ धार्मिक चेतना का केंद्र बनने की भावना व्यक्त करते हुए संगठन की सेवा गतिविधियों की सराहना की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों में सत्य और अहिंसा, जीवन दान और सदाचार के मूल्यों का प्रसार होगा और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र का निर्माण जरूर होगा। मुख्यमंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राजतंत्र और धर्मतंत्र को मिलकर करुणा पर आधारित शासन प्रणाली के निर्माण में ही सभी का कल्याण निर्मित है। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों ने वीर प्रभु की ऐतिहासिक गाथा के मंचन को भी देखा और निहारा और सराहा। इस शुभ अवसर पर वलसाड़ जिले कलेक्टर श्री शिप्रा अग्रेजी, रेंज आईजी राजकुमार पांडियन जी, जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर राजनीत सिंह झाला, वापी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री विठल भाई पटेल, जिला संगठन अध्यक्ष श्री हेमंत कंसारा, श्रीमद राजचंद्र मिशन के अध्यक्ष श्री अभय भाई जसानी और वलसाड़ जिले के सभी विधायक वहां पर उपस्थित रहे थे। तो चलिए आइए हम सब मिलकर इस शुभ अवसर का भव्य कार्यक्रम राजचंद्र मिशन के द्वारा किया गया एक भव्य कार्यक्रम हम सभी साथ मिलकर निहारते हैं। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से, धन्यवाद। ब्रह्मचर्य नारा, सत्य धर्म नारा।
निरंजन निर्विकारी न्यारा बागी समा सितारा बेहारिका दुलारा निरनार नाग भारा माशोक नार जे ब्रह्मचर नारा सत्वधर नारा जीव दया निष्काम निरागस नाथ निरंजन निर्विकारी न्यारा बागी समा सितारा बेहारिका दुलारा निरनार नाग भारा माशोक नार जे ब्रह्मचर नारा सत्वधर नारा। इस संवाद के साथ प्रायोजक है तस्किन ऑनलाइन डिजिटल शॉप, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बलसाड़, होटल न्यू वंस नेशनल हाईवे नंबर 48 और स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट नानी दबन मशाल चौक। मैंने आज आध्यात्मिक चेतना और शर्मा सौभाग्य और सौभाग्य मनु से कहने को हूँ मारा जीवन की अविस्मरणीय तक ध्रुज श्रीमद रामचंद्र जी प्रभु जिला मार्ग में संस्कार वार्ता ने समाज समस्त आगर बसाओ और कार्य वर्तमान युग का पूज्य गुरुदेव राकेश भाई ना साली के अन्य बार प्रतिमा नहीं रहे तेरने प्रेरणा मा आराधन विषय वन वन विस्तार मा धर्म आस्था सत्ता साथे ज्ञान विज्ञान की जोर पर प्रजवनी करी रहे हैं अन्य वन वन का विकास मा सरकार साथे खबे को मिलावे पढ़ते रहे हैं वन वन जारे जाति जाति ना वारा वा हिंचाएगा हता ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવ રાકેશ ભાઈએ સ્વમંગલથી સર્વમંગલનો માર્ગ તેમને બતાવ્યો સ્વામી સંવિષ્ટા કલ્યાણની ભાવના સાથે આધ્યાત્મ પરથી સ્વસુખ શાશ્વત સુધા સંસ્થા વનવાસીઓમાં આ મિશનની પ્રવૃત્તિઓ સિંચાય છે કોઈ એકા સંપ્રદાય ધર્મની સંકુચિતતાના કુશળમાં વનવાસીઓ કેદ ન રહે તે માટે પૂજ્ય ભાઈએ શિબિરોના માધ્યમથી વિવિધ ધર્મના શાસ્ત્રોને ઉદ્દેશ પ્રેરણા આપી સર્વ ધર્મ સંઘ સર્વ ધર્મ મનની ભાવના ખીલાવવાનું ઉચ્ચતમ કાર્ય કર્યું છે ગુજરાતને વિશ્વ પ્રતિષ્ઠા અપાવે છે સેવા સંગઠનો ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા પ્રેરણા દેવી સંગમથી જીવ માત્રના કલ્યાણના અનેક કાર્યો સૌ સુખી તો સુખી આપણે આ મંત્ર સાથે થઈ રહ્યા છે રાજચંદ્ર વિશ્વ અહિંસાના પરમ ધર્મની ભાવના સાથે રામ રાજ્યનું દિવ્ય સમાજનું નિર્માણ કરીને શ્રીમદ રાજચંદ્રના સંદેશને અને વાર્તાને સાકાર કરે છે ગુજરાતની આ સરકાર અહિંસાના પરમ ધર્મના મંત્રને કેન્દ્રમાં રાખી સુશાંતની એ સાકાર કરવા સંકલ્પબદ્ધ છે આ સરકાર જનકલ્યાણ માટે સદા કામ સમર્પિત રહી જીવ માત્રની સેવા માટે નિષ્કામ ભાવે સેવારત છે ગુજરાતના વિકાસ ન્યાયમાં ટૂંકી યાત્રામાં સેવા સદાચાર જીવ અહિંસા અને પરોપકારના મૂલ્યો અત્યંત પૂરક બન્યા છે આપણે આ મૂલ્યોને શાસન વ્યવસ્થામાં પણ પચાવ્યા છે જીવ દયા સદાચાર માટે આપણે સંકલ્પબદ્ધ છીએ ગુજરાતને અહિંસાનો માર્ગ લઈને દવાખાને જીવ દયા અને જીવ સેવાના મહત્વ અમારી સરકાર સદાય અથલ અને અવિચલ રહેશે એવો આપ સૌને વિશ્વાસ આપું છું. ધ સ્પ્રિંગ કેફે એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ ડિસેમ્બર ધમાકા મશાલ ચોક નાની દમણ